नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की गई। ये कहा गया कि नारी का सम्मान होगा, लेकिन सिर्फ 9 दिन तक, क्योंकि अभी विसर्जन को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और बिहार की औरंगाबाद में नारी के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आ गया। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार की औरंगाबाद में 20 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की और इतने से भी मन नहीं भरा तो सुनसान जगह पर ले जाकर उसे झाड़ी में फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो रेप करने के दौरान उसके मुंह पर स्प्रे तक मारा गया जिससे वो बेहोश हो जाए और उसके साथ मारपीट भी किया गया। बाद में उसे सुनसान जगह पर झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया गया। जब पुलिस गश्ती के दौरान बाहर निकली तो उसने लड़की को कराहते हुए सुना, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की की फिलहाल हालत नाजुक बताई जा रही। ये वो बिहार है जहां जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन आए दिन लड़कियों के साथ अपराध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था लच्चर है। लोगों को ऐसी सजा ही नहीं मिलती कि इस तरह के अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचे। सरकार को ये कहने से पहले कि उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, एक ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लोग ऐसा अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन नहीं, हमारे देश में लगभग हर दिन 6 से 7 लड़कियों के साथ रेप होता है और उसके बाद हम अखबारों में पढ़कर, वीडियो में देखकर और चुप हो जाते हैं, भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को जो भी लड़की के ऊपर बीतता है। और अभी आप देख लीजिए, 9 दिनों तक दुर्गा माता के स्वरूप की पूजा की गई और 24 घंटे भी नहीं बीते कि रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन वही सांसद ने आरोपियों का फोटो लेने से भी मना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि लड़की के परिवार वालों का भी फोटो ना लिया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उन्होंने लड़की के परिवार वालों को ये जरूर कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस खबर को करते वक्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 4 अब तक भी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 20 वर्षीय लड़की BA की छात्रा थी जो कि अपनी सहेली के घर जा रही थी। बीच बाजार में उसे उठाकर जबरन गाड़ी में बिठा लिया गया और उसके बाद उसके साथ एक एक करके 5 लोगों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 अब तक फरार है। ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी उन 4 आरोपियों को भी पकड़ लेती है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।